हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज हम लोग देख रहे हैं कैंपेन एंड स्पोर्ट्स ऑब्जेक्टिव शिविर के उद्देश्य। तो ये जो है आपको जो कंटेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ व्यापम जो एग्जाम हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें 750 पोस्ट निकला हुआ था, तो उसका कोचिंग जो हुआ है, वो कोचिंग का जो कंटेंट है, ये आपको जो प्रोवाइड हो रहा है, मुझे एक मित्र से ये प्राप्त हुआ है। तो देखिए और लाभ उठाइए। चलिए देखते हैं, चैनल पर अंतिम तक बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शिविर के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आध्यात्मिक विकास शिविर। जानते ही हैं शिविर क्या होता है, पिकनिक, और शिविर क्या होता है। तो हम लोग शिविर पढ़ रहे हैं। शिविर में जो है आपको आध्यात्मिक विकास होता है, मनोरंजन एवं शैक्षणिक विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, आपसी सहयोग का विकास होता है, बाहरी वातावरण का विकास होता है, और व्यक्ति का विकास तो होता ही है, व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, मानसिक थकान कम करता है, साहस आत्मविश्वास बढ़ाता है, रुचि बढ़ाता है, अनुभव बढ़ाता है, पारस्परिक भावना का विकास करता है, नए कौशल और मीन्स स्किल का विकास करता है। टाइप्स ऑफ कैंपेन, शिविर का प्रकार, तो ये है आपका पहला, अवधि के आधार पर ये होता है। फर्स्ट, अवधि के आधार में एक दिन का भी शिविर जो है लगाया जाता है, 7 दिन का होता है, जैसे 7 दिन एक महीने का तक का होता है, जैसे एक महीने तक का इनका शिविर होता है, जो आर्मी मैन होते हैं उन लोग का शिविर 1 महीने का होता है, 7 दिन का जैसे स्काउट एंड गाइड होता है उनका होता है, ठीक है, 1 दिन का स्कूलों में जो जाते हैं, ठीक है, उनका शिविर होता है। आयु के आधार पर बाल, युवा, वयस्क तीनों का ये शिविर होता है, बालकों का जो है स्कूलों का और युवाओं का भी स्कूल कॉलेज लेवल में, ठीक है, लिंग के आधार पर बालक बालिका, ठीक है, महिला पुरुष, कार्य क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक, धार्मिक, गैर सरकारी, सरकारी और व्यवसायिक। पांचवा है प्रशिक्षण के आधार पर, NCC, NSS, कोचिंग कैंप, स्काउट गाइड, जैसे कि हमने NCC का जिक्र किया ही था। तो ये आपके 5 मुख्य प्रकार और शिविर को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर, ये है सदस्यता, पात्रता, ठीक है, बजट, शिविर का स्थान, भोजन, उपकरण, ये सभी प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि इसमें लंबा समय का भी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कार्यक्रम की गतिविधि, यातायात सुरक्षा और विद्युत, प्रकाश, स्वास्थ्य और नियम, तो इसके नियम कड़े होते हैं, ठीक है। यातायात और सुरक्षा जो है थोड़ा दिक्कत वाली होती है, ठीक है। भोजन और उपकरण जो है इसके जो लगते हैं वो सभी ये प्रभावित करते हैं। अगला है शिविर की समिति, तो इसमें समिति जो सबसे पहले क्रिएट करते हैं, जब बनाते हैं समिति बनाते हैं, तो उसमें प्रबंधन समिति ये होता है, कार्यक्रम समिति होना चाहिए, भोजन समिति होना चाहिए, कौन कौन भोजन बनाएंगे, कौन कौन कार्यक्रम को कैसे संचालित करेंगे, प्रबंधन क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, वो सभी चीज़ को प्रबंधन का अलग होता है। मनोरंजन समिति, कौन कौन मनोरंजन को देखेंगे, मनोरंजन पार्ट को। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति अलग होगा कि किन किसी को कुछ हो रहा है तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स और बाकी जो भी उपकरण हैं, उपकरण क्या क्या है, क्या क्या रहेगा, इसका भी एक अपॉइंट करना चाहिए। अनुशासन के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स टीचर को ही अधिकतर रखा जाता है। यातायात साधनों में क्या क्या चाहिए, वो सभी चीज़ों का, ये सभी एक आपको क्या बनाते हैं, समिति बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं।